हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज एक वोलेटाइल डे हमें देखने को मिला। सबसे पहले आज के एनालिसिस का एक रिव्यू करते हैं, फिर कल के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल था 15610। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, यहाँ पर फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, सेकंड टारगेट के पास एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस फेस किया। जैसे ही यहाँ से टूवर्ड्स आउट की तरफ आया, ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक नहीं किया और पूरे दिन यहाँ पर एक सपोर्ट इसने फाइंड आउट किया और इसी लेवल के बीच में ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेकर पूरा कंसोलिडेशन वे में यहाँ पर ट्रेड हो रहा था। तो लेवल्स काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए आज भी। तो कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। चलते 60 मिनट के चार्ट में। ये निफ्टी इंडेक्स का 60 मिनट का चार्ट है। अभी हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, उसके हिसाब से एक और लेवल को ऐड कर देते हैं यहाँ पर 123.6। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट इसी लेवल के पास आज जिसने रेजिस्टेंस फेस किया और रिकॉर्ड हाई तो बना लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया इसके ऊपर, और जो 100% का लेवल था इसी के पास पूरे दिन ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा था। तो अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी इंडेक्स, अगर आज का ये टॉप मोस्ट क्लोजिंग लेवल जो बन रहा है 15626 इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे तो ही इंट्राडे के लिए कल हम बाय पोजिशन बना सकते हैं। और कभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 15653, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15679, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स साउथ की तरफ आता है तो ये जो लेवल है यहाँ पर कल का लो और उसके बाद ये 20 EMA है, ऑलमोस्ट उसी जगह पे आ रहा है। तो 20 EMA को कम्प्लीटली ब्रेक होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज निफ्टी काफ़ी बुलिश है, अप ट्रेंड में है, डेली चार्ट वीकली चार्ट स्ट्रांग अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो अगर यहाँ से करेक्शन आता है तो 20 EMA के नीचे कम्फर्टेबली सस्टेन होने दे, यानी 15504 के नीचे, तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15481, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 15461, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ये निफ्टी के लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी ये जो 20 EMA है इसको कम्फर्टेबली ब्रेक होने दीजिए, यानी जहाँ पर इसने दो बार पास्ट में रेजिस्टेंस फेस किया वो हो सकता है अभी सपोर्ट का काम करे, तो इस सपोर्ट को ब्रेक होने दीजिए कम्फर्टेबली तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 35151, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 35059, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो आज जहाँ से इसने सेकेंड अटेम्प्ट में बाउंस बैक दिखाया था, और यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर इस ग्रीन कैंडल ने काफ़ी लंबा टेल छोड़ दिया, तो ये लेवल हो सकता है हमारा ब्रेकआउट लेवल 35523। इसके ऊपर सस्टेन करे तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजिशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 35600, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 35692, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स है कल के लिए, यानी 2 जून। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।